हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करेक्ट इंग्लिश फैक्ट्स की, कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जो हमको जानना बहुत जरूरी होते हैं और हम किस प्रकार से उन फैक्ट्स के इस्तेमाल से अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे हम ING लगाते हैं, और हमने देखा होगा कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है और ING लगता है साथ में। तो आखिर वो लास्ट का लेटर डबल क्यों होता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। तब देख सकते हो, जैसे कि हमारा मेन जो वर्ड है वो है किड, KID, किड हमारा मेन वर्ड है, लेकिन यदि हम इसके पीछे ING जोड़ना चाहें तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा, KIDDING, किडिंग। तब देख सकते हो, किड के साथ जब हमने ING जोड़ा तो यहां पे जो डी है वो डबल हो गया। ठीक है, उस प्रकार से मेन वर्ड है स्किप, स्किप में आप ING जोड़ते हो तो वो हो जाता है स्किपिंग। तो जो लास्ट लेटर है पी, पी देखिए डबल हो गया, तो ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल इसके लिए एक ट्रिक है। आप देख सकती हो कि लास्ट लेटर वर्ड का, लास्ट लेटर से अगर पहले कोई भी वॉवल आए तो आपको लास्ट लेटर को डबल करना है ING जोड़ते समय। ठीक है, उस तरीके हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है। तो डी, डी से पहले आई एक वॉवल है, तो यहां पे हमने डी को डबल कर दिया। पी, पी से पहले आई एक वॉवल है, इसलिए हमने यहां पे पी को डबल कर दिया। इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे आप देखिए, कट, कट में अगर हम ING जोड़ते हैं तो कट हमारा मेन वर्ड है, और कट को जो हम जोड़ते हैं ING तो कटिंग, डबल टी आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, टी से पहले क्या है, यू, यू एक वॉवल है और उसमें ING जुड़ा तो कटिंग हो गया। तो इसलिए लास्ट के लेटर ING जोड़ते समय डबल हो जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कि हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है, तो कुछ वर्ड के पीछे एस लगता है और कुछ वर्ड के पीछे IES लगता है। जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम एस या IES का प्रयोग करते हैं। तो एस का हम किसके पीछे प्रयोग करें और IES का किसके पीछे प्रयोग करें? तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि मंकी, मंकी एक सिंगुलर वर्ड है, इसको हमें प्लूरल बनाना है, तो आप देख सकते हो लास्ट का लेटर वाई है, वाई से पहले वॉवल आ रहा है, तो जिस शब्द को हमें प्लूरल बनाना है तो लास्ट का लेटर हमको देखना पड़ेगा। लास्ट के लेटर से पहले वाला शब्द, मतलब कि यहाँ पे ई क्या है, वॉवल है, तो एस जुड़ेगा। तो मतलब कहने का ये है कि लास्ट वाले लेटर से पहले यदि वॉवल होता है तो उस शब्द को प्लूरल बनाते समय एस का प्रयोग करते हैं। उस हमारा अगला फैक्ट है कि मैं लंच खा रहा हूं, तो ऐसी स्थिति में उसकी इंग्लिश है आई एम ईटिंग लंच। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं, मतलब कि हम लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट, क्योंकि जब भी हम लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो कभी भी हम ईटिंग का प्रयोग नहीं करते। कई लोग ऐसे हैं कि अगर वो कुछ खा रहे होते हैं, डिनर कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लंच कर रहे होते हैं, तो वो बोलते हैं कि आई एम ईटिंग लंच, आई एम ईटिंग डिनर, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। ये गलत है। हमेशा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए आपको ईटिंग का यूज नहीं करना है, आपको यहां पे यूज करना हैविंग का। आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग डिनर। अगला फैक्ट हमारा आता है कि आपने देखा हो, यदि किसी इंसान की जो मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फलाना इंसान एक्सपायर हो गया, ही इज एक्सपायर, वह एक्सपायर हो गया, या हमें जाना है क्योंकि हमारे रिलेशन में एक व्यक्ति एक्सपायर हो गया है। तो फ्रेंड्स, किसी के मरने को हम इंग्लिश में एक्सपायर कभी नहीं बोलते, ये गलत तरीका है, हमें एक्सपायर कभी नहीं बोलना है। अगर कोई इंसान मर गया है तो उसके लिए हम पास अवे, डाई और नो मोर का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि एक्सपायर हमेशा वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, इंसान की मृत्यु के लिए कभी भी एक्सपायर का यूज नहीं किया जाता। फैक्ट की हम बात करते हैं तो हमारा एक रूट वर्ड है और उस रूट वर्ड का नाम है साइड। साइड एक इंटरेस्टिंग रूट वर्ब है इंग्लिश के अंदर, उसका मतलब सीधा सीधा होता है हत्या। साइड का मतलब होता है हत्या। अब ये साइड कुछ वर्ड में जुड़कर विशेष अर्थ देती है अपना, जैसे कि सुइसाइड, सुइसाइड माने होता है आत्महत्या। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड माने होता है पिता की हत्या, संतान के द्वारा पिता की हत्या।
मैट्रिसाइड माने होता है संतान के द्वारा माता की हत्या, और इन्फेंटिसाइड माने होता है माता पिता के द्वारा अपने नवजात मतलब कि अपने छोटे बच्चे की हत्या। तो साइड एक रूट वर्ड है जो कि खासकर किलिंग के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए किसी इंसान की शादी की सालगिरह होती है तो हम उसको बोलते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, कुछ लोग बोलते हैं हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब बहुत से लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि हम मैरिज एनिवर्सरी बोलें या वेडिंग एनिवर्सरी बोलें, और कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं कि मैरिज एनिवर्सरी भी सही होता है और वेडिंग एनिवर्सरी भी सही होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी इंसान की जब शादी की सालगिरह होती है तो उसको हम मैरिज एनिवर्सरी यदि बोलते हैं तो वो बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि वो शादी की सालगिरह है। लेकिन क्योंकि उस शादी की सालगिरह को हम एक इवेंट के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उस शादी की सालगिरह में एक इवेंट जुड़ गया, मतलब जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जिस शादी की सेलिब्रेशन में इवेंट जुड़ जाता है तो वो वेडिंग बन जाता है। ठीक है, इसलिए आप यदि शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हो तो वो एक इवेंट हो गया, और ऐसी स्थिति में उसको हम वेडिंग एनिवर्सरी कहेंगे। तो हम हमेशा किसी अपने लिए या किसी और के लिए सिर्फ क्या यूज करेंगे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। साथ में एक चीज मैं आपसे और बताना चाहता हूं कि जो बारात होती है, बारात उसको इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन बोला जाता है, और जो बाराती होते हैं उनको वेडिंग गेस्ट बोला जाता है। बाराती को वेडिंग गेस्ट बोला जाता है और बारात को वेडिंग प्रोसेशन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स मैं अपने इन वीडियोस के माध्यम से करेक्ट इंग्लिश फैक्ट्स लेकर आता रहूंगा, जिससे कि आपको अपनी जो रोज की जो वोकैबुलरी है, जिसको कि आप अपने रोजाना कन्वर्सेशन में यूज करते हो, वो इम्प्रूव हो सके और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो सके।